क्या देश में बने कानूनों की गंभीरता कम हो गई है? क्या कानूनों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? क्या कानूनों में बड़े बदलाव का वक्त आ गया है? क्या पुराने कानून आम आदमी के हकों की हिफाजत करने की बजाय उनका शोषण कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हरियाणा के यमुनानगर में हुए एक मामले के खुलासे के बाद उठ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल यहाँ एक कॉलेज की छात्रा ने अपने साथ हुए गैंगरेप का 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और इसके बाद शुरू हुआ युवकों को ब्लैकमेल करने का खेल। छात्रा ने केस वापस लेने के लिए तीनों युवकों से 10-10 लाख रुपए की मांग की। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला शामली की रहने वाली और यमुनानगर के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने महिला थाने में शामली गांव के गागोर निवासी पंकज, जिला बागपत के गांव हलालपुर निवासी संजीव और बागपत के गांव सिरसोली निवासी आर्यन पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। लेकिन अब केस वापस लेने की एवज में युवती युवकों से 10-10 लाख रुपए की मांग कर रही थी और सौदा तय होने के बाद 1 लाख रुपए एडवांस लेने के लिए बुला रही थी। युवकों के परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने युवती को पकड़ने की योजना बनाई और जैसे ही युवकों के परिजन एडवांस 1 लाख रुपए देने के लिए मिले तो पुलिस की टीम ने उसे रंगे हाथ 1 लाख रुपए के साथ पकड़ लिया। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि इस युवती ने इनमें से एक युवक पर सहारनपुर में भी एक केस दर्ज करवाया था और उस केस में भी 35,000 रुपए में समझौता कर लिया था। ताजा मामले में बात 5 लाख रुपए में तय हुई थी। छात्रा की हकीकत सामने आने के बाद पुलिस ने छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल केस दर्ज करवा के पैसे मांगने वाली ये छात्रा पुलिस की गिरफ्त में है और गिरफ्त में आने पर 5 लाख रुपए मांगने की बात भी मीडिया के कैमरों पर इस छात्रा ने कबूल की है। लेकिन ये 5 लाख रुपए किस बात के थे, इस सवाल का जवाब उससे देते नहीं बना। ऐसे मामले सामने आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है कि जो कानून महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बने हैं उन्हें ही ढाल बनाकर पैसे मांगे जाते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रेप के झूठे आरोपों में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि कानूनों का दुरुपयोग आखिर कब तक और कैसे रुक